हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 3 किलोवाट सोलर सिस्टम की कीमत क्या है, 3 किलोवाट एक दिन में कितना बिजली बनाता है, 3 किलोवाट सोलर सिस्टम पर क्या क्या चला सकते हैं। हम यहां पर 3 किलोवाट सोलर सिस्टम को 3 भागों में बांट रहे हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ऑन ग्रिड का मतलब है कि बिना बैटरी से चलने वाला सिस्टम, यानी कि सीधा लाइव चलने वाला। इसमें जो इक्विपमेंट उपयोग में लिया जाता है वो है सोलर इन्वर्टर और साथ में ही नेट मीटरिंग प्रोसेस। अब यहां पे जो काम रहता है, सोलर का काम रहता है बिजली बनाना, और इसमें जो भी बिजली है उसे आप यूज कर सकते हैं, साथ में ही जो ज्यादा बिजली है उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑफग्रिड, ऑफग्रिड का मतलब भी यही है, यानी कि बिना ग्रिड का बैटरी उपयोग में ले सकते हैं, और इसमें जो इक्विपमेंट है सोलर इन्वर्टर और बैटरी, नेट मीटरिंग इसमें नहीं होता है। सोलर का काम रहता है बिजली बनाना, और इस सिस्टम से हम बिजली उपयोग में ले सकते हैं, साथ में ही सुरक्षित सेव भी कर सकते हैं। जब ग्रिड नहीं है तब आप इसे यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड, यानी कि नेट मीटरिंग का उपयोग भी होगा और बैटरी का भी उपयोग होगा। इक्विपमेंट की बात करते हैं तो सोलर इन्वर्टर, बैटरी, नेट मीटरिंग। सोलर का काम रहता है बिजली बनाना, यहां पर जो बिजली बनती है उसे यूज में ले सकते हैं और आप सेव भी कर सकते हैं, साथ में ही एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं 3 किलोवाट सोलर सिस्टम की कीमत क्या है। सबसे पहले लेता हूं मैं यहां पर सोलर पैनल। सोलर पैनल भी मार्केट में आपको 3 प्रकार के देखने को मिल जाते हैं, वो है पॉली, मोनो और हाफ कट। पॉली सोलर पैनल की कीमत की बात करते हैं, यहां पर मैं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की कीमत बताने वाला हूं। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम यानी कि 30,000 रुपए में, और मोनो की बात करते हैं तो 35,000 में, और यहां पर हाफ कट की बात करते हैं तो 40,000 रुपए में आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं 3 किलोवाट इन्वर्टर की कीमत के बारे में, तो यहां पर भी 3 तरह के इन्वर्टर मिलेंगे आपको, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ऑन ग्रिड की बात करते हैं तो 3 किलोवाट का 35,000 रुपए, ऑफ ग्रिड की बात करते हैं तो यहां पर 45,000 रुपए, और हाइब्रिड की बात करते हैं तो अलग अलग कंपनी के हिसाब से 60,000 से लगाकर 90,000 रुपए तक मिलने वाला है। अब बात करते हैं बैटरीज की, तो यहां पर ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड में ही काम में ली जाती है। अब यहां पर बैटरी जो है वो 3 किलोवाट में कम से कम 2 बैटरी लगानी आवश्यक होती है। ये ऐसे देखा जाता है कि आपके जो इन्वर्टर की रेटिंग है वो कितने वोल्ट में है। 24 वोल्ट में है तो आपको 2 बैटरी लगाना है, 12+12 ऐसे सीरीज में जोड़ देंगे। अगर आपका 48 वोल्ट का इन्वर्टर है तो आपको 4 बैटरी लगाना होता है। आइए तो 3 किलोवाट पूरे सिस्टम की कीमत कितनी होने वाली है। जैसा कि हमने देखा है कि सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी सबकी अलग अलग कीमत बता दी है। अब हम बात करते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो सोलर पैनल 3 किलोवाट 90,000 रुपए, इन्वर्टर 35,000 रुपए, अदर जो खर्चा है वो 35,000। अदर खर्चे में यानी कि नेट मीटरिंग, एसडीपी, डीसीडीपी बॉक्स, जो भी आपका अर्थिंग है वो, स्टैंड है वो, सारा लगभग 35,000 का खर्चा होता है। यानी कि अगर आप 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं तो 1,60,000 का खर्चा आता है। ऑफ ग्रिड की बात करते हैं तो 3 किलोवाट सोलर सिस्टम की 90,000 रुपए, इन्वर्टर की कीमत 45,000 रुपए, अदर खर्चा है वो 25,000 रुपए। कम क्यों हुआ? उधर नेट मीटरिंग है और इधर नेट मीटरिंग नहीं है। लेकिन आगे बढ़ जाता है आपके बैटरी का खर्चा, 2 बैटरी लगाएंगे तो एवरेज खर्चा आपका 15+15 30,000 रुपए, कुल मिला के आपको 1,90,000 रुपए यहां पे देने होते हैं। हाइब्रिड सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो सोलर पैनल है 1,20,000 रुपए। अब यहां पे कहेंगे आप बढ़ कैसे गया, तो यहां पर आप जो 90,000 का इन्वर्टर ले रहे हैं तो उस पे आप 4 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। 4 किलोवाट सोलर सिस्टम की कीमत आती है 1,20,000 रुपए, इन्वर्टर की कीमत आती है 90,000 रुपए, अदर खर्चा है वो 35,000 रुपए। अदर खर्चा जो भी ऑन ग्रिड में लग रहा है वो सारा सिस्टम यहाँ पे हाइब्रिड में लगेगा। अब नेक्स्ट खर्चा बढ़ता है यहाँ पर बैटरी का, तो 2 बैटरी लगाएंगे तो 15+15 30,000 रुपए, कुल मिला के हाइब्रिड 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने जा रहे हैं तो 2,75,000 रुपए का खर्चा आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ROI, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न कितने सालों में मिल जाएगा। अब यहां पे एक एवरेज देखना है
कि कितना बिल आ रहा है आपका, उसके हिसाब से आप 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाएंगे। तो आपके घर का बिजली का बिल अगर 3 से 4 हजार रुपए आ रहा है तो आप 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगा दीजिए। अगर हम एवरेज 4 हजार मानते हैं तो जो एनुअल जो बिल बनता है वो 48 हजार रुपए का बनता है, और 3 से 4 साल में अगर 4 साल का निकालता हूं मैं तो 1,92,000 रुपए बनते हैं, और यहां पे खर्चा कितना हुआ है 1,60,000 रुपए का। यानी कि ऑन ग्रिड की बात करें तो 3 से 4 साल में रिटर्न मिल जाता है आपको, फ्री हो जाते हैं। अगर ऑफ ग्रिड की बात करते हैं तो यहां पर लगभग 4 साल लगने वाले हैं, और अगर हाइब्रिड की बात करते हैं लगभग 5 साल लगने वाले हैं। आइए तो एक बार ये समझते हैं कि ये जो 3 किलोवाट सोलर सिस्टम है एक दिन में कितना बिजली जनरेट करता है। एक एवरेज रेशियो रहता है, 1 किलोवाट सोलर सिस्टम 4 से 5 यूनिट पर डे के हिसाब से बिजली बनाता है। 3 किलोवाट सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड की बात करते हैं तो 12 से 15 यूनिट बनाता है, ऑफ ग्रिड की बात करते हैं तो 12 से 15 यूनिट बनाता है, लेकिन अगर हाइब्रिड की बात करते हैं तो यहां पर 16 से 20 यूनिट पर डे के हिसाब से आपको मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कि 3 किलोवाट सोलर सिस्टम पर कितना लोड चला सकते हैं। यहां पर ऑन ग्रिड की बात करते हैं जितना मर्जी हो उतना लोड चलाइए। अब आपके माइंड में चलेगा सर आप कह रहे हैं 3 किलोवाट लगा रहे हैं और कैसे, इसका सिस्टम यह रहता है कि ऑन ग्रिड में 3 किलोवाट यानी कि आपका 15 यूनिट पर डे के हिसाब से जनरेट कर देगा। अगर यहां पर जैसे 12 यूनिट बने हैं और आपका 7 यूनिट का ही बिजली कंजप्शन हुआ है तो 5 यूनिट बच रहे हैं, उसको आप गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑफग्रिड की बात करते हैं तो यहां पर 2400 वाट तक का लोड चला सकते हैं। अब यहां पर एक और बात आती है, आपने 2 बैटरी लगाई है तो बैटरी कितने घंटे चलेगी, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के ऊपर, तो वो आप आई बटन पे जाकर देख सकते हैं कि बैटरी का बैकअप कैसे निकाला जाता है। यहां पर बात करते हैं हाइब्रिड की, हाइब्रिड में पैसा भी ज्यादा दिया है तो यहां पर लोड चला सकते हैं आप 3300 वाट तक का, लेकिन यानी कि लगभग 3.5 किलोवाट का लोड यहां पर चला सकते हैं। अब बात करते हैं हम 3 किलोवाट सोलर सिस्टम पर क्या हैवी लोड भी चला सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल आप चला सकते हैं। अगर सीजन के हिसाब से देखा जाए तो एयर कंडीशनर भी चला सकते हैं आप, 3 किलोवाट सोलर सिस्टम पर 1 AC आराम से चला सकते हैं। ऑन ग्रिड में आप चला सकते हैं, ऑफ ग्रिड में आप नहीं चला सकते हैं, लेकिन होगा ये कि जो बैटरी बैकअप है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर हाइब्रिड की बात करें तो आप 24 घंटे चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 किलोवाट सोलर सिस्टम पर 1 AC रन कीजिए। इसके बाद में और क्या हैवी लोड आप चला सकते हैं, इस पर आप गीजर चला सकते हैं, इंडक्शन कुकर चला सकते हैं, मिक्सर चला सकते हैं, लाइट पंखा कूलर सब कुछ आप यहां पर चला सकते हैं, यानी कि घर का पूरा लोड आप इस पर चला सकते हैं। अगर आपके घर में 1 HP का सोलर पंप भी है और सीधा आप उससे भी रन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, और हमारे सारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत जय राजस्थान वंदे मातरम।